अगर आप YouTube देखते हैं तो शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो मुंबई का निखिल और योर इंडियन कंज्यूमर को ना जानता हो। और आप ये भी जानते होंगे कि दोनों के बीच में काफी दिनों से कोल्ड वॉर चला आ रहा है और इसी को लेकर फिर से इनडायरेक्टली ये दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ कहा है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड गलियारा डॉट कॉम। और आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब के दो फेमस यूट्यूबर मुंबिकर निखिल और प्रसाद वेदवाटक, जिन दोनों में काफी दिनों से कोल्ड वॉर चला आ रहा है, दोनों टाइम टाइम पर एक दूसरे के बारे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने वीडियोस और स्टोरीज में बात करते रहते हैं। फिलहाल फिर से दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ कहा है। अगर आप मुंबिकर निखिल को फॉलो करते हैं तो उन्होंने डिस्कस किया था कि यूट्यूब और टिकटॉक दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है। हालांकि उन्होंने इस वीडियो में अपने ओपिनियन रखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें अभी भी यूट्यूब ज्यादा पसंद है और क्यों इनको टिकटॉक ज्यादा पसंद नहीं है। उस वीडियो के रिलीज होने के बाद प्रसाद वेद पाठक ने अपने योर इंडियन कंज्यूमर वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की थी। उस स्टोरी में उन्होंने बताया, आप खुद ही देख लीजिए कि उन्होंने अपनी स्टोरी में क्या लिखा था। He wanted to sell t-shirts, so I introduced him to my t-shirt partner, MDS. Later, he publicly bashed them and started promoting his new partner. My lifestyle vlogs were working back, so he left his bike and switched to lifestyle vlogging. People were buying my t-shirt like crazy, so he promoted a brand which had plagiarized my idea. When I spoke about it, he tried to kill it with silence and didn't say a word directly in his video, but kept poking me in live sessions through friends and on other platforms. Now when I killing it on TikTok, he again is insecure and started doing monkey business. The only question which comes to my mind is why. Get well soon, brother. साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, There are many more reasons right since day one, which I can present with proof. Please don't make me do that. Stop manipulating young mind and people get in life. So उन्होंने डायरेक्टली लिखा कि कैसे उन्हें ऐसा लगता है कि मुंबिकर निखिल ने अपने वीडियो में इनडायरेक्टली यूआईसी के बारे में बात की है। अब की या नहीं की, ये तो आप खुद ही जज कर सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि उनके पास काफी सारे ऐसे प्रूफ हैं जिसमें वो इस चीज को प्रूफ भी कर सकते हैं प्रूफ के साथ, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते। डोंट नो कि इन दोनों की जो ये कोल्ड वॉर है ये कब तक चलने वाली है और इसका एंड रिजल्ट क्या निकलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सही है? क्या आपको भी लगता है कि कल वाले वीडियो में जो मुंबिकर निखिल ने डिस्कशन किया था वो किसी भी तरीके से योर इंडियन कंज्यूमर से रिलेटेड था, या फिर ये सिर्फ प्रसाद को ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने इनडायरेक्टली उनके बारे में बात की थी? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। बॉलीवुड की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट bollywoodgaliyara.com पर लॉग इन कर सकते हैं। और कमेंट कर ये भी बताएं कि क्या आप यूट्यूब के बारे में भी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक प्रॉपर रेगुलर सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड सारी अपडेट्स इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।